इंटरेस्टिंग बात हम बताएं इसके साइलेंसर का, तो ये थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में मिलता है, ऊपर होने की वजह से ऑफ रोडिंग भी आपका आसान हो जाता है। मैं आप लोगों को बहुत ही स्टाइलिश सुपर बाइक के बारे में बताने वाला हूँ। जो कलर मैंने लिया है बहुत स्टाइलिश है, जो भीड़ है उसमें अलग ही आपको दिखाता है। ये बाइक तो वैसे भी काफ़ी पॉपुलर है। इसका सारा फीचर्स डिटेल वगैरह मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो पहले मैं मॉडल के बारे में बता देता हूँ, TVS के अपाचे RR 310 का। तो पहले इसका लुक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग डिटेल बात करते हैं। फ्रंट से ये बाइक कुछ ऐसी दिखती है, स्पोर्टी बाइक, फुल फेयरिंग बाइक है, और राइट साइड से कुछ ऐसा इसका अपीयरेंस आ जाता है। बहुत दमदार ये दिख रही है बाइक। और इसका जो टेल सेक्शन है, सेमी स्प्लिट में टेल लैंप मिल जा रहा है, और लेफ्ट साइड से कुछ ऐसा इसका अपीयरेंस आ जा रहा है। ज़बरदस्त बाइक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी एंड कम्फर्ट के फीचर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके फ्रंट से। इंडियन ट्राई कलर का यहाँ पर छोटा सा स्टिकर वर्क देखने के लिए मिल जाता है इसके विंड पैनल पर। इसके विंड पैनल का यहाँ पर आप डिज़ाइन देखिए, काफ़ी खूबसूरत है, और कुछ इस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है कि आप हाई स्पीड में भी जाते हैं तो जो डस्ट वगैरह हवा वगैरह जो है वो यहाँ से स्कैटर होता रहता है, राइडर को एक कंफर्टेबल राइड देता है। और जब राइड करते हैं तो आपका जो पोजीशन है वो थोड़ा सा आपको आगे की तरफ बेंडेड रहता है। रेसिंग बार है वो कैसे एडजस्ट किया गया है और आप उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसे नीचे देखते हैं इसके हेडलैम्प वाइजर को। दो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प में मिल जा रहा है, और यहाँ पर आपका ये DRL लाइट हो गया। तो DRL लाइट तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प दो मिल जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लो विजिबिलिटी एरिया हो या कहीं मतलब हैजी एरिया हो उसमें आपका काफ़ी अच्छा आपको विजन मिलने वाला है। यहाँ पर टॉप पर TVS का लोगो मिल जाएगा, जो कि स्टिकर वर्क के साथ में ये आ रहा है। अब हम इससे आगे चलें तो इसका मडगार्ड देखिए, काफ़ी स्पोर्टी में आपको मिल रहा है, ग्लॉसी रेड कलर में मिल रहा है। दोनों साइड में आपको ABS का ब्रांडिंग है, इसमें डुअल ABS चैनल है, वो डिटेल में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद बात करें हम सस्पेंशन का, क्योंकि देखिए सस्पेंशन सब में टेलीस्कोपिक होता है या USD सस्पेंशन होता है, बार बार बोलते हैं कि अच्छा है अच्छा अच्छा है, लेकिन उसमें भी ये डिपेंड करता है कि उसका जो इनर ट्यूब है उसका साइज़ क्या है, और उसका जो क्वालिटी है कौन सी कंपनी ने बनाया है, और क्या उसका लेवल है वो बहुत मैटर करता है। इसमें आपको इन्वर्टेड कैटरीज USD सस्पेंशन मिल जा रहा है, जबकि रियर में आपको मोनोट्यूब फ्लोटिंग पिस्टन गैस असिस्ट शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है। ये था इसके सस्पेंशन के बारे में। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का जो सस्पेंशन है वो इसमें इस्तेमाल किया गया है, ताकि जब सडनली आप ब्रेक अप्लाई करते हैं या आप खड्डे वगैरह आ जाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका रिस्ट जो है उस पर प्रेशर नहीं आए, बैक मसल जो है वो टेंस नहीं रहे, आपको मैक्सिमम कंफर्ट मिले, और नॉर्मल रोड पर आपको एक स्मूथ राइड मिले। तो ये सारी बातों का ध्यान में रखते हुए इसमें सस्पेंशन का ऐसा इस्तेमाल किया गया है। इसके सस्पेंशन के बाद हम बात करें इसके ब्रेकिंग सिस्टम का। तो अगेन यहाँ पर आप देखें, फ्रंट में आपको रोटोपेडल डिस्क मिल जा रहा है, जिसके वेंटिलेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस डिज़ाइन का एडवांटेज ये होता है कि डिस्क जब गर्म होती है ब्रेक अप्लाई करने के बाद तो एक्सपेंड नहीं होता है, सेम साइज़ में रहता है। तो बैक जो ब्रेक है, ब्रेक कैलिपर, वो मैक्सिमम आपको आउटपुट देता है। और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है कि एयर का भी सर्कुलेशन होता रहे और जो ब्रेक कैलिपर है वो इसमें आराम से इंगेज होता रहे। इसमें फ्रंट में आपको 300 साइज का रोटोपेडल डिस्क मिल जा रहा है, और इसका जो ब्रेक कैलिपर है वो बाइबर का है। रियर का साइज़ आपको 240 का मिल जा रहा है। तो आगे और पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक हो गया, दोनों में ABS ब्रेकिंग सिस्टम है, डुअल डिस्क डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम इसमें हो जा रहा है। तो एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम आप सब लोग जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें दोनों आपको ये मिल जा रहा है। तो एक तरह से देखिए तो ब्रेक जो है वो एकदम कम्प्लीटली आपको हाई लेवल का मिल जा रहा है। तो इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बाद हम बात करते हैं इसके टायर का। तो इसके टायर का आप कुछ डिज़ाइन देख लीजिए, ये ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वाटर को मैक्सिमम ये उस पर स्लिप नहीं हो, ये यहाँ पर ये डिज़ाइन आप देखिए, और जो एक्स्ट्रा वाटर हो यहाँ से ये निकलता जाए, तो ये कुछ ऐसा डिज़ाइन इसको प्रमोट करता है। और इसमें आगे और पीछे दोनों में रेडियल ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल किया गया है। तो ट्यूबलेस टायर की वजह से आपको कॉर्नरिंग पर भी जब आप स्पीड में टर्न लेते हैं तो भी आपको अच्छा खासा रोड पर पकड़ रहने वाला है। इसके बाद हम बात करें इसके व्हील का, तो 5 spokes के साथ में काफ़ी फैंसी स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ इसका आपको अलॉय व्हील मिल जा रहा है, जिस पर आपको TVS रेसिंग का ब्रांडिंग के साथ में स्टिकर वर्क देखने के लिए मिलेगा। जबकि रियर टायर आपको काफ़ी वाइड हो जा रहा है, और रियर टायर का डिज़ाइन आप यहाँ पर देखिए, जो वाटर वगैरह सड़क पर रहेगा यहाँ से जाकर ये आराम से इससे बाहर निकल जाए। तो ये डिज़ाइन इसीलिए दिया गया है ताकि जो गाड़ी है वो स्किड नहीं हो, और रियर टायर वाइड भी दिया गया है
जिससे रोड पर जो स्टेबिलिटी है, जो ग्रिप है वो अच्छा मिले। रियर टायर का साइज 130/60 का है। ये फुल फेयरिंग स्पोर्ट्स बाइक है, तो वो चाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये फ्रंट से लेकर यहाँ पर आपको इंजन तक अंडर काउल ये फुली कवर कर रहा है। यहाँ पर डुअल टोन कलर का इस्तेमाल किया गया है, ग्लॉसी रेड एंड ग्लॉसी ब्लैक कलर का। और यहाँ पर पाचे का ब्रांडिंग मिल जाता है RR 310 का, तो कुछ ऐसा अपीयरेंस इसका आ जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये डक्ट दिया गया है जो कि एयर के सर्कुलेशन में काम करता है। आपको लॉन्ग राइड पर भी कहीं से गर्मी नहीं लगती है। इसके डिजाइन के साथ साथ आपके यूटिलिटीज़ में भी काम आ जा रहा है। और इसका फ्यूल टैंक आप सेफ देख सकते हैं, काफ़ी स्टाइलिश और कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिसमें आपका थाई जो है वो कम्प्लीटली इसके अंदर आ जाए, तो एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होगा और आपको स्पीड भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और किसी भी हाइट का आदमी इसको इजीली चला भी सकता है। दोनों साइड में 3D का यहाँ पर लोगो मिल जाता है इसके फ्यूल टैंक पर। काफ़ी प्रीमियम हो जा रही है ये बाइक। और अब हम बात करें इसके सीटिंग अरेंजमेंट का, तो इसमें आपको 2-level स्प्लिट सीट मिल जा रहा है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट मिलता है। और इसका जो आउटर कवरिंग है थोड़ा सा आपको सिल्की टच देने वाला है। और यहाँ पर की होल है जिसमें थोड़ा सा आप जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको आप रख सकते हैं। इसका बैक पैनल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर आपको ये ग्रैब हुक मिल जा रहा है, लेडीज हो या लड़की हो उसको बैठना है, कोई भी बैठता है तो उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर ये मिल जा रहा है। और जो इसका टेल सेक्शन है कुछ ऐसे अपीयर होता है, पॉइंटेड यहाँ पर आ जा रहा है। इसका टेल लैंप है, कुछ स्प्लिट में ऐसे आएगा और नीचे जाकर वो थोड़ा सा मर्ज हो जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात हम बताएं इसके साइलेंसर का, तो ये थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में मिलता है। ये स्मोकी ब्लैक कलर में है। आउटर जो इसका अब मफलर है वो स्टील फिनिश के साथ में आ रहा है। ऊपर होने की वजह से ऑफ रोडिंग भी आपका आसान हो जाता है, कहीं पर भी जाएंगे तो आपका जो वाटर वगैरह जो जाने के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ लेफ्ट साइड में, यहाँ पर साइड स्टैंड सेंसर मिल जाता है जो सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपने सिंगल स्टैंड पर खड़ा किया है और जल्दबाजी में आगे निकलते हैं तो आपका गाड़ी ऑन नहीं होने वाला है, आप आगे नहीं लेकर जा पाएंगे, तो ये एक आपको एडवांटेज यहाँ पर मिल जा रहा है इसके साथ। तो ऐसे इस बाइक में बताने के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं आप लोगों को एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। अब हम बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में। ये आपका TVS रेसिंग के बारे में आया, TVS के बारे में सब इंफॉर्मेशन। इस बाइक को आप 4 मोड पर चला सकते हैं, अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स एंड ट्रैक मोड, और उसके अकॉर्डिंग ये पावर जनरेट करेगा और टॉक भी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, लो फ्यूल है या फ्यूल है ये आपको इन्फॉर्म करेगा। यहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, और स्पीडोमीटर आपको बहुत थ्रिलिंग देने वाला है। डिजिटल में है आपका, कम ज़्यादा जब होता है तो वो एक अलग फील आता है। और यहाँ पर आपका मेन्यू, तो यहाँ पर ये आपको स्विचेस मिल जा रहे हैं सेट का करके, अप एंड डाउन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, कूलें आउटसाइड का टेम्परेचर, टॉप स्पीड कितना आप चला सकते हैं, और ओडोमीटर, और यहाँ पर फ्यूल रेंज। यहाँ पर सेट का बटन आपको दबाना है, और किस पर आपको राइड मोड पर जाना है, ट्रिप डिटेल, माय व्हीकल या प्रेफरेंसेस, तो आपके इसके अकॉर्डिंग आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पर यदि आप सपोज करिए राइड मोड पर आपको जाना है तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के बाद अभी आपको अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स या ट्रैक किस मोड पर जाना है। तो यदि आपने अर्बन सेलेक्ट किया तो इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आपका यहाँ पर RPM शो करेगा, स्पीडोमीटर, रेंज, कितना फ्यूल बचा है, कितना जा सकते हैं, तो टेम्परेचर, कूलेंट का क्या है, और गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो स्विच दिया गया है सेट का, इससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको दूसरे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेनू से देख सकते हैं। हम प्रेफरेंसेस में जाते हैं तो अभी यहाँ पर देखिए कनेक्टिविटी, डिस्प्ले सेटअप, कस्टम, स्पीड अलर्ट, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। अब कनेक्टिविटी में यदि आप जाते हैं, कनेक्टिविटी को सिलेक्ट करते हैं, तो पेयर डिवाइसेस कौन कौन से आपने किया है, तो मोबाइल को किए हैं तो आप उसका नेविगेशन और ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिलने वाला है। अभी इसमें कोई भी डिवाइस को पेयर नहीं किया गया है तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तो आप उसको कनेक्ट करके उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, मैं सबका आपको जानकारी नहीं दे सकता, आप उसको लेकर सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्विचेस का, तो लेफ्ट हैंडल बार पर आपको ये 4 स्विच मिल जा रहा है, इसको मैं एक काउंट कर रहा हूँ एक क्लस्टर को। यहाँ पर फ्रंट में पासिंग लाइट, अपर एंड डीपर का यहाँ पर मिल जा रहा है, और यहाँ पर हैजर्ड लाइट के लिए जो कि आपके फॉगी एरिया में, हैजी एरिया में, लो विजिबिलिटी एरिया में ये काम करता है, तो दोनों इंडिकेटर ऑन हो जाता है। और यहाँ पर आपको ये क्लस्टर मिल जा रहा है उसके सेटिंग के लिए। यहाँ पर लेफ्ट राइट का इंडिकेटर हॉर्न, और राइट हैंडल बार पर आपको एक स्विच मिल रहा है जिससे आपको ऑन ऑफ करना है और स्टार्ट करना है। बाइक में आपको स्प्लिट में इसका रेसिंग बार मिल जा रहा है जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश के साथ में दिया गया है, और इनर जो उसका फिनिश है वो आप मैट एंड ग्लॉसी सिल्वर कलर में आता है।
तो ये सारा डिटेल था इसके रेसिंग बार एंड मीटर कंसोल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इस बाइक में आपको 312 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक फोर वाल रिवर्स इंक्लाइंड DOSC इंजन मिल जाता है, जिसमें आप अर्बन और रेन मोड पर चलाते हैं तो 25.8 PS पावर मिलता है, और स्पोर्ट्स ट्रैक मोड पर चलाते हैं तो 34 PS पावर मिलता है 9700 RPM पर। और इसका जो इंजन है वो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है अर्बन एंड रेन मोड के लिए 25 न्यूटन मीटर, और स्पोर्ट ट्रैक मोड के लिए 27.3 न्यूटन मीटर 7700 RPM पर। इसमें लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और ये बाइक 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आती है। तो ये सारा डिटेल था इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन का। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 180 mm का मिलता है, व्हील बेस 1365 mm का है, सेडल हाइट 810 mm का है, और इसका जो कर्व वेट है 130 kg का मिल रहा है। तो 123 kg की ये बाइक है, जिस हिसाब से दिख रही है जितनी बल्कि मस्कुलर, मुझे लगा था कि कम से कम 150 kg के आसपास की होगी, लेकिन 130 kg में ही है। तो यानी इस तरह से देखिए तो वेट जो है वो काफ़ी मैनेजेबल हो जा रहा है। अब हम बात करें इसके कलर ऑप्शन का, तो ये बाइक आपको दो कलर में मिल जाएगी, एक रेसिंग रेड जो आपके सामने है, दूसरा ब्लैक एंड ग्रे कलर की कॉम्बिनेशन के साथ में आती है। और इसके जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है वो आपको 12 लीटर का मिल रहा है, और इसका जो माइलेज है 30-35 के आसपास मिल जाएगा, 28 से ही बेसिकली, वो डिपेंड करता है आप किस मोड पर चला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो माइलेज है वो चेंज हो जाएगा। इसका टॉप स्पीड आपको 174 का मिलेगा। और अब हम बात करें इसके प्राइस का, इसका ऑन रोड प्राइस आपको इंक्लूडिंग इसका इंश्योरेंस और पार्किंग कवर हेलमेट वगैरह के साथ में 3,10,000 पड़ने वाला है। कांटेक्ट नंबर फ्लैश हो जाएगा, कोई भी इंक्वायरी वगैरह हो तो आप वो इस पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है और कुछ छूट गया है हमें कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।